राम राम सा, पापा मम्मी रसोई मारवाड़ी में आप सबारा स्वागत है सा। बहुत बार एड़ो वे सांबरा आप खाना बनावा तो कुछ न कुछ चावल वगैरह बच जाया करे। तो करे करे घर रहमान मेहमान आवे तो उन टाइम रा भी अपना थोड़ा बहुत चावल बच जावे तो उन आप कई करा। यूँ तो चावल की बहुत सारी रेसिपी बनिया करे। आज मैं आपने बचोड़ा चावलों बहुत ही शानदार पाव भाजी स्टाइल ने मैंने पराठा बनवाने पता बोला। ये पराठा बहुत ही स्वादिष्ट बनने तैयार होया करे। पर मारे घर में जरिए पराठा बनूँ हाथों हाथ खत्म हो जाया करे और सबने बहुत अच्छा लाग गया करे। तो मारे परिवार वाले भी मैंने सजेस्ट करियो एड़ा पराठा आप सबने बनावनी बताओ। पदार मैं रसोई मैंने अपा पाव भाजी स्टाइल ने मैंने रेसिपी बनावनी शुरू करा। तो इन वास्ते अपा सब पहले आटो उसन ने तैयार कर ला। मेजरिंग कपड़े हिसाबू मैं एक कप आटो लिए हूँ जो का रोटी बनाने तैयार करा वो जो आटो है। आप घर में जिको भी आटो खापते हो वो आप ले लीजिए। इनमान अपन एक पिंच वजी तो नमक डाल देना, ज़्यादा नमक नहीं डालना, बस थोड़ा थोड़ा करने पर पानी डालना ना आटो उसने तैयार कर लिया। पानी अपन थोड़ा थोड़ा घालना करे भी आटो गीलो नहीं हुए। ये तो अपन टाइट आटो नहीं उसन ना ही ना सेमी सॉफ्ट आटो उसने तैयार करा। आटे ने अपना भिंजाना रखा नहीं थोड़ी देर सॉफ्ट हो जाएगा और भी, तो सेमी सॉफ्ट आटो उसने रख देना अपन। इन तरह अपना सेमी सॉफ्ट आटो उसने तैयार कर लिया। आटो ना तो गीला है न ज़्यादा टाइट है। अब इन ढक्कन लगाने अपन रख देवा। जब तक हमारा आटा रेस्ट कर रही है उतनी देर में मैंने अपना रायता बनाना तैयार कर ला। क्योंकि गर्म गर्म पराठा रहता है पर रायता खावाला तो बहुत स्वादिष्ट लगेगा। इस वास्ते मैं 400 ग्राम दही ली हूँ। आज रायता अपन हेल्दी बनाना तैयार कराला तो इनमें बहुत सारी सब्जियाँ इस्तेमाल कराला। तो एक मैं काकड़ी ली जी नहीं छोटा पीस से मैंने काट ली हूँ। तरह आप चाहो तो काकड़ी ने कद्दूकस करने भी डाल सको पर कद्दूकस करोला जरा कि काकड़ी में पानी बहुत ज़्यादा छूटिया करे। अब इनमें अपना एक छोटा प्याज लिया हूँ मैं जिन्हें मैं काट ली हूँ और भी मैं डाल दी हूँ। प्याज भी अपना छोटा छोटा काटना ही डालना ही मान। एक छोटी साइज की गाजर ली हुई हूँ जिन्हें मैं कद्दूकस कर ली हूँ। इन्हें आप कद्दूकस करने डाल सको। आप चाहो तो मैं इनमें इन काटने भी डाल सको। एक मैं उबलियो आलू लिया हूँ इन्हें भी छोटा छोटा काट लिया हूँ इनमें मैं डाल दें। आलू ने कद्दूकस करने मैं डाल दो इनमें। एक छोटी साइज की मिर्ची ली हुई हूँ मैं आप भी मैं डाल देवा। मिर्ची डालनी ऑप्शनल है। आपने थोड़ा तीखो पसंद वे राय तो हल्को सा तीखा सी लगे बहुत छोटा छोटा पीस काट दो आप। अब मैं इनमें अपना एक टेबल स्पून बचा हरा धना काट देवा। आप अगर पुदीना होता पुदीना भी डाल सको या पुदीना पाउडर होता वो भी आप मिक्स कर सको। पाव छोटा चम्मच वही तो इनमें नमक डाल देवा। नमक हमेशा अपन जिन टाइम रायता खाता वहाँ उन्हें थोड़ी देर पहले डालना चाहिए जाए। मन तो आपने बतावना ही वास्ते मैं इन टाइम डाल रही हूँ क्योंकि नमक डालने से रायता जल्दी खट्टा पड़ जाया करें। आधा छोटा चम्मच वही तो इनमान पास शक्कर पाउडर डाल दें वहाँ। आप कहने खड़ी शक्कर होता वह भी डाल दी दो पहले। इनमान हल्की सी मिठासी आवेला जर खाऊ मैंने अच्छी लगेगा। मैं क्वार्टर छोटा चम्मच वही तो आप काला नमक डाल दें। काला नमक का फ्लेवर भी इनमें बहुत ही अच्छा लगेगा। मैं पाव छोटा चम्मच वही थी लाल मिर्ची डाल दें। अब सब ने अपना अच्छी तरह मिक्स कर लिया। इनमान के सब्जियाँ पानी छोड़ दिया करें नहीं इस वास्ते राय तो अपना पतलो हो जाया करें ना बहुत ज़्यादा पतलो राय तो नहीं हो जाया करो करीब ही। आपने इनमान पानी नहीं डालना। सब ने अपना अच्छा मिक्स कर लिया। अब रायता मैंने छौक लोगों वास्ते अपना बर्तन लिया हाँ। इनमान सब पहले अपना एक छोटा चम्मच वही तो घी डालना गैस ना चालू कर दें। तो घी अपना गर्म हो गया है। अब इनमान अपना आधा छोटा चम्मच राई डाल दें। आधा छोटा चम्मच इनमान अपना जीरो डाल दें। जीरो हमारा पकन डूब गया राई भी अपन चटकनी शुरू हो गई है। अब इनमान अपना चार कड़ी पत्ता लिया हूँ जिनमें आधा आधा कर दिया हूँ टुकड़ा। इन्हीं साथ में एक लाल मिर्ची ली हुई हूँ अभी मैं डाल दें। आपके लाल मिर्ची नहीं हुए तो इन जगह में तो आप हरी मिर्ची भी डाल सको। इन तरह अपन पका लिया ना सब ने। देखो जीरो वगैरह अच्छा पक गया है। मैं गैस बंद कर देवा। इन्हें छौंकने पर रायते में डाल देवा। छौक लगा दा इन तरह का रायता खाऊंगे मैं बहुत स्वादिष्ट लग गया करें न। सर्व करती टाइम आप चाहे थोड़ी सी ऊपर रह के लाल मिर्ची इन तरह डाल दो बहुत ही अच्छी लगे। अब इन रायता ने पास साइड में रख देवा। ने पराठा वास्ते मसाला बनाने वास्ते एक कप में पकौड़ा चावल लिया हूँ। आप चावल खुला खुला बनोड़ा हुआ है तो आप थोड़ा सा मिक्सी जार रहे मैं डालने उन्हें पीस लीजिए। और आप अच्छा पकौड़ा चावल हुआ है तो आपने पीसने की जरूरत नहीं। अब इन्हें आप साइड में रख देवा। ने मसाला बनाने वास्ते एक पैन रहा मैंने अपना एक टेबल स्पून वजह तेल डाल देवा। ने गैस ने चालू कर देवा। बस तेल अपना गर्म हो गया है। इनमान से पहले अपना थोड़ी सी हींग डाल देवा। तो क्वार्टर छोटा चम्मच हींग डाली हूँ मैं। आधा छोटा चम्मच जीरो डाल दिया मैं और सब ने अपना अच्छी तरह पका लिया एक बार। बस जीरो वगैरह अच्छा पक गया है। अब इनमान मैं दो हरी मिर्ची ली हो जिन्हें छोटी छोटी काट ली हूँ अभी मैं डाल दी हूँ। पराठा में मैंने मिर्ची करी भी छोटी छोटी काटने डाल दी ये खाने मैंने स्वादिष्ट लगे। आप मिर्ची वगैरह नहीं खाता हुआ तीखा पराठा नहीं खाता हुआ तो आप मिर्ची स्किप कर दीजिए। अब मैं चार पाँच कड़ी पत्ता लिया हूँ जिन्हें मैं पतला पतला काट लिया हूँ यहाँ अभी मैं डाल दी हूँ। इन्हों फ्लेवर इनमान बहुत अच्छा लगेगा। इन्हीं हाथे में तीन चार लहसुन की कलियाँ ली हुई हूँ जिन्हें छोटी छोटी काट ली हूँ।
अभी मैं पका लिया यानी बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है सबने, हल्को सा कच्चा ऊपर निकल जाना थी जाइए बस। आँच नहीं टाइम रहा पाने स्लो और मीडियम रे बीच में रखना, धीरे धीरे आँच मैंने मसाला अच्छा पकने तैयार कर ला। अब इन मैंने अपा एक मैं प्याज लियो जिन्हें भी मैं काटी हूँ छोटा छोटा और भी मैं डाल दूँगा। ये पाव भाजी स्टाइल है पराठा खाऊंड मैंने बहुत अच्छा लग गया करें। प्याज ने भी अपना हल्का सा पकावा ला, ज़्यादा नहीं पकावा ला, जो प्याज अपना हल्का सा ट्रांसल्यूशन दिखन डूब गया है इतने ही पकावना है। अब इन मैंने अपना दो आलू डाल दें, उबले आलू है इन मैंने अपना इन तरह पर आलू ने तोड़ डाल दें। आलू ने इंतर अपना मिक्स कर लिया इन मैंने, आलू अच्छा उबल हुआ इस वास्ते मिक्स हो जाया करे अच्छा मसालों का इन तरह पकाने बनावा क्या तो स्वादिष्ट बहुत अच्छा है, मॉइस्चर भी थोड़ा कम पड़ जाया करे इन मैंने। इन्हीं साथ जो चावल अपना पकायोड़ा है जो बचियोड़ा चावल है नहीं वे चावल इन मैंने डाल दें, चावल का मॉइस्चर भी थोड़ा कम पड़ जाए। मार चावल इतना सॉफ्ट बनियोड़ा है देखो दबाते जो का मैस हो रही है इन तरह सॉफ्ट चावल डाय के पराठा बहुत अच्छा लगे ला। अब इन मैंने अपन नमक डाल दी हूँ, इन मैंने एक छोटा चम्मच नमक डाल दी हूँ अपना, नमक आप अपने स्वाद अनुसार कम बतौर डाल सको इनमें। और न एक चम्मच वे जितने इन मैंने अपन पाव भाजी मसाला डाल दी हूँ, पाव भाजी मसाला और फ्लेवर भी मैं बहुत अच्छा हो ला, अड़े लगे ला पाव भाजी खा रही हूँ बस। थोड़ी सी इन मैंने अपन हल्दी डाल दी हूँ, हल्दी का अच्छा कलर आवे पाव छोटा चम्मच वही तो हल्दी डाल दी हूँ। कि नहीं बनाना पास सर्व भी करिया तो मालूम नहीं पड़ा ला क्या चावल बनोड़ा पड़ता है, चावल ने अच्छा मैस कर लिया बस तो ध्यान नहीं पड़े पास चावल बनोड़ा है। मसाला देखो आलू रो मसाला वह क्या वड़े बनने तैयार हो गया, जबकि सब बताई मैंने पास चावल घा लिया एक कप चावल घा लिया पूरा चावल भी पूरा मैस हो गया। इन मैंने खुशबू इन टाइम पाव भाजी इनमें बहुत ही अच्छी आ रही है। अब इन मैंने लास्ट में अपना थोड़ा सा हरा धनिया डाल दी हूँ ना, बस छोटा चम्मच हो तो अमचूर पाउडर डाल दी हूँ, अमचूर पाउडर ही हल्की सी खट्टे इनमें अच्छी आवेला। ये तो पाव भाजी मैंने पर टमाटर डालिया करा पर मैं टमाटर डाल थोड़ा गीला पड़ जाओ मसालो, इन मैंने आप अमचूर पाउडर डाल दीजिए या नींबू रस भी डाल सको इन मैंने, मसालो थोड़ा सा सुखो रहे होना चाहिए गीला वाला तो आपका कहीं पनाठार बारह निकले ला। इन टाइम आप थोड़ा सा टेस्ट करने भी देख सको, आपने कोई नमक वगैरह फीको लागतो हुए या पाव भाजी मसाला कम लागत हुए तो इन मैंने आप और ही डाल सको, वो आपने पसंद है हिसाब वो आप तीखो या फीको बना सको और सब मसाला अपना बनने तैयार होगा। देखो बहुत ही अच्छा मसाला बनने तैयार हो गया। अब गैस ने बंद कर दिया हुआ मसाला ने थोड़ा ठंडा कर लिया उन बाद में मैंने यूज़ करा। अब भाई नपा एक प्लेट में निकाल लिया जिन्हों कही एक मसाला जल्दी ठंडा हो जाए वाला तो पैन तो अपना गर्म है क्या तो उनमें गर्म रहे वाला इन तरह ऊपर फैलाने रख दे। अब वापस अपना आटा ना देख ला आटा देखो भीग गया पचे काफ़ी सॉफ्ट हो गया देख ला, मैं थोड़ा सा इन्हें ऊपर अपना तेल लगा दे इन वापस अपना गूंद ले आटो भी नोन रखना सो काफ़ी सॉफ्ट हो जाया करें। अब इन अपना लोहे तोड़ ले तो थोड़ा सा हाथ में आटो लगा लें लोहे थोड़ा ला ताकि इजीली टूटे ला लोहे। अब इन मैंने ऊपर एक लोहे ले लेवा थोड़ा सा इन माता अपना आटो लगा लें इन तरह आटो लगाने बेल लेवा साइड में मैंने थोड़ा अपना पतला रखना कभी भी। अब जो आप मसाला लिया हाँ इन मैंने अपना थोड़ा मसाला ले लेवा मसाला आप अपने हिसाब देखो कम बत्तो ले सको। अब इन अपना अच्छी तरह इन तरह फ्लिट लगाने पैक कर लेवा बहुत ईजीली पैक हो जाया करें। मैं साइड मैंने अपना पतला बनी तो बिछरे मैंने अपना ज़्यादा जाडो नहीं पड़ेगा बस थोड़ा सा अपन आटो आटो लगा ले थोड़ा आटो इन माते भी लगा लें। अब इन अपना बट ले बहुत इजीली बटी जाला मसाला अच्छा भरियोड़ा तो खाने में बहुत स्वादिष्ट लगेगा। साइड में अपना तवा भी गर्म हो गया है और ध्यान रखना तवा गर्म हो रहा पचा आपने पराठा डालना कभी भी आप पहली पराठा डाल दिला तो पराठा आप चिपक जावेला उन माते तो इस वास्ते आपने तवा गर्म हो जाए उन बाद में पराठा डालना। हमें सारी तरह आपने हमारी वीडियो कड़ो लाग रही है नीचे मैंने कमेंट बॉक्स में लिखना जरूर बताया करो, जिन्हों मैंने कहीं जानकारी मिलती रहे आपने वीडियो अच्छा लाग रही है या ख़राब लाग रही है। अच्छा लगे तो आप इन्हें लाइक करिया करो, अच्छा नहीं लगे तो डिसलाइक भी कर सको। आपने घी तेल जो भी लगाना है जो आप लगा सको आप चाहो तो बटर भी लगा सको इन माते वो आपने पसंद माते है घी कम ज़्यादा लगाना वो भी आपने पसंद माते है। तो आपने हमारी आज भी रेसिपी कड़ी लगी नीचे कॉमेंट बॉक्स में लिखने मैंने जरूर बताया करो। मिला साढ़े दूजे वीडियो रमाइने जड़ तक राम राम सा।